सो फाइनली आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ मेरा कॉलेज टूर, तो रहना इस व्लॉग में लास्ट तक। वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। मैंने ये वीडियो इतना ज्यादा रैंडमली स्टार्ट कर देना क्योंकि आज मैं कॉलेज जाने वाली थी, तो बहुत टाइम से मैं बोल रही थी कि मैं कॉलेज टूर दूंगी बट मैंने आज तक दिया नहीं है। तो सोचा चलो आपको आज मेरा कॉलेज टूर भी दे देती हूँ। शायद उतना डीपली नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं खुद इतना लेट हो गई हूँ जाने के लिए। तो आज हमारा कॉलेज देखते हैं, उतना कुछ खास और बड़ा तो नहीं है बट जो भी है जैसा भी है वैसा ही आज आपको दिखाऊंगी, और बने रहे मेरा व्लॉग में लास्ट तक। एक्चुअली हमारा जितना भी सेशंस था कॉलेजेस पूरा ख़त्म हो चुका है, अब बस एग्ज़ाम आना बाकी है। कॉलेज मेरे रूम से बहुत सामने, तो मुझे काम था तो मैं कॉलेज जा रही थी, सोचा आप लोगों को टूर भी दे दूँ। तो ये जो कॉलेज है ये है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। ईटानगर आने के बाद आप किससे भी पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। सीधा अंदर घुसते आपको गेट दिखेगा और ये बहुत सारे प्लान्स जो यहाँ पे लगा के रखे हैं वो सब आपको दिखेगा। चलो देखते आगे की तरफ। मैं आपको बहुत अच्छे से तो टूर नहीं दे सकूँगी लेकिन जितना भी हो आप देख लेना माई कॉलेज टूर। तो अब गाइस ये हमारा मेन गेट है जहाँ से हम कॉलेज की एंट्री करते हैं। साइड में सिक्योरिटी सेल है जहाँ पे दो लोग रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो अंदर जाते ही साइड में है हमारा पार्किंग जोन और राइट साइड से हमारा प्रिंसिपल सर का घर जाता है। फिर इस तरफ है हमारा प्लेग्राउंड, ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, आपको लास्ट में मैं अच्छे से दिखाऊँगी। इसके बाद इस तरफ थोड़ा और पार्किंग एरियाज़ वगैरह है। इसके बाद सीधा हम अंदर घुसते हैं यहाँ से, ये और हमारा अंदर का एक मेन गेट है। तो यहाँ से हम अंदर घुसते हैं सीधा। तो घुसने के बाद सीधा हम लोग को बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। हमारा कॉलेज में ना जो नेचर है उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आप जो भी जगह जाओगे वहाँ पे आपको हर जगह प्लांट्स दिखेंगे अलग अलग तरह के, जिसके नाम भी हम लोग को नहीं पता है और नाम भी लिखा हुआ होता है। तो नेचर को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और खूबसूरत लगता है। कभी दिन आए तो ज़रूर विज़िट करना हमारा कॉलेज। अंदर घुसने के साथ साथ सीधा हमारा कॉलेज दिखता है। ये हमारा सबसे आगे वाला पार्ट है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, बट बेसिकली हम लोग पीछे से भी जा सकते हैं, बट ये आगे वाला पार्ट है। और ये रही मैं जो आपको दिखा रही हूँ अपना कॉलेज टूर। ये हमारा सीधा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं बट बेसिकली हम तो यहाँ से करते नहीं है। तो यहाँ पे साइड पे जितने भी टॉपर्स होते हैं उन लोग के नाम लिखे होते हैं। ये हमारा सबसे फर्स्ट जगह है। थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट लेने पर हमारा प्रिंसिपल चैम्बर दिखाई मिलता है। आपको थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स दिखा दिया। एक्चुअली आई डोंट हैव एनीवन जो मेरा वीडियो शूट कर सके, तो मैं खुद ही कर रही हूँ इसीलिए आपको अच्छे से नहीं दिखा सकूँगी। जो एक्चुअली ना आई स्पेंड वेरी लेस टाइम इन कॉलेज, सो मुझे भी इतना पता नहीं है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट तो मुझे खबर ही नहीं कि वो कहाँ में है, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ छूट भी जाएगा, सो प्लीज़ नेवर माइंड, क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी में ही हूँ, मतलब मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो गाइस हमारे कॉलेज में बहुत सारा डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट को दिखाना इट्स नॉट पॉसिबल। सबको पता है कि कैसे पूरा हर कॉलेज का वीडियो तो नहीं ले सकती, इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सबसे पहले ये सबसे आगे वाला रो है जहाँ पे हम लोग का रूम नंबर 1, 2, 3, 4 होता है। फिर साइड में आर्ट्स क्लब का थोड़ा बहुत जितना भी होता है वो लगा के रखा हुआ। ये हमारा क्लासरूम था एजुकेशन मेजर। फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत गार्डनिंग वगैरह किया गया। फिर आगे जाने पर ना हम लोगों को जो बहुत कुछ दिखता है, यहाँ पे रूम नंबर 5 है और हिंदी मेजर का है। एंड आगे जाने पे ये जो हमारा कॉलेज का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है हातातू। एंड साइड में एनसीसी का ऑफिस है, उसके आगे में एनएसएस का ऑफिस है, एंड उसके आगे में आई थिंक रूम नंबर 1, 2 ऐसा कुछ है और बहुत सारा कुछ है गाइस। और ये रहा हमारा लाइब्रेरी, मैं तो सिर्फ 2 ही बार गई हूँ लेकिन बहुत लोग इसका इस्तेमाल। फिर यहाँ पे आता है एक वॉशरूम। टोटल हमारे कॉलेज में 2 वॉशरूम है, ये है लेफ्ट साइड का, उस तरफ एक दूसरा है राइट साइड का। तो ये पीछे तरफ से हमारा कॉलेज कुछ ऐसा दिख रहा है। आई डोंट थिंक कि मैं इतना कवर कर पाऊँगी बट जितना हो सके आई विल कवर फॉर यू गाइस, सो देख लेना। यहाँ पे है वोमेन सेल, ये जो है आगे साइड है एंड देर इज़ अ बैक साइड। और इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं शायद कभी ज़िंदगी में आई नहीं हूँ, एक बार आई हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये वाला जो है तो ना ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ना, हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी इसी में, मतलब इसी डिपार्टमेंट में है। बाकी जो हो गया उतना खास नहीं है। आर्ट्स का तो आप बोलो इट्स द वर्स्ट, साइंस का थोड़ा ठीक है एंड कॉमर्स का बहुत ज़्यादा सुंदर है बिकॉज आई थिंक ये न्यू बिल्डिंग है इसीलिए, मुझे भी इतना आइडिया तो नहीं है बट। मैंने आपको बताया था ना कि ये लॉक है, तो ऊपर नहीं जाके नहीं दिखा सकते आपको, बाहर से दिखाते हुए ये लॉक है यहाँ।
मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा भी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है। वो घूम घूम के मुझे खुद ही समझ भी नहीं आ रहा कॉलेज में मैं चक्कर लगा रही हूँ। फिर आगे चलते हुए यहाँ पे है इको क्लब गार्डन। मुझे याद है मैं बस यहाँ में एक बार आई थी, वो भी हमारा कुछ प्लांट कुछ सबमिट करना था तो यहाँ पे सबमिट किया था हम लोग। काश कोई होता कि मेरा वीडियो बना देता तो मैं आराम से आपको सब कुछ दिखा सकती बोल बोल के, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वीडियो करने के लिए कोई नहीं है तो मुझे खुद ही कैमरा पकड़ के खुद ही वीडियो शूट करना पड़ा इसीलिए। तो फिर आगे चलते चलते यहाँ पे हमको दिखेगा एक न्यू बिल्डिंग जो कि रिसेंटली बन रहा है, मैंने भी आज ही देखा था, काफ़ी अच्छा था। आई थिंक दिस इज़ द न्यू बिल्डिंग, तो अभी ये बन ही रहा है। तो गाइस नेवर इन माई कॉलेज लाइफ आई हैव यूज्ड दिस, दिस इज सो पता नहीं इतना अननोन फॉर मी। सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा डिपार्टमेंट। तो गाइस ये है मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसमें मैं बहुत कम ही आई हूँ, क्योंकि तो फाइनली अब हम जा रहे हैं इस कॉलेज से, थोड़ा तो अलग सा फील हो रहा है बट मुझे ना बिल्कुल भी होता नहीं कि सैडनेस वाला तो फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इतना कॉलेज में टाइम भी स्पेंड नहीं किया है। बट जो भी हो जैसा भी हो कॉलेज लाइफ अब ख़त्म होने वाला है, बस कुछ दिन में एग्ज़ाम भी है तो मैं यहाँ से पीछे से होते हुए जाऊँगी गेट नंबर 2 से, जहाँ से मैं आई थी वो गेट नंबर 1 था और जहाँ से मैं जाऊँगी दैट इज़ गेट नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे ना एक वो ऑडिटोरियम है हमारा कॉलेज का तो उसको भी आपको दिखाते हुए जाऊँगी। ठीक है तो ये ना हमारा कॉलेज का ऑडिटोरियम है जहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है एनसीसी का एनएसएस का या तो जो भी कॉलेज का जो भी प्रोग्राम होता है ना जो मेन प्रोग्राम रिलेटेड टू कॉलेज वो यही पे होता है। तो ये हमारे कॉलेज का एक बड़ा सा प्लेग्राउंड या फील्ड बोल सकते हैं जहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स कल्चर प्रोग्राम वगैरह होता है, काफ़ी बड़ा और अच्छा है देखने के लिए भी। तो गाइस ये हमारा ऑडिटोरियम है एंड ये है हमारा प्लेग्राउंड। तो कॉलेज में कैंटीन भी था बट वो कैंटीन बंद पड़ा था तो इसीलिए मैं उस तरफ नहीं गई आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं गेट नंबर 2 से आई थी और अभी मैं फ्रंट एरिया में हूँ। ये हमारा प्लेग्राउंड है और ये आगे का साइड है। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग इन्जॉय किया होगा क्योंकि ना मैं जितना हो सके आप लोगों को दिखाया, हर चीज़ तो नहीं दिखा सकती पर जितना हो सके मैंने कवर किया। तो उसके बाद मैं जा रही थी अपना रूम क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था ऑलरेडी, मुझे पढ़ाई भी करना था। सो गाइस मैं कॉलेज से भी आ चुकी हूँ अभी और जितना हो सके मैंने ट्राई तो किया कि आप लोगों को मैं कॉलेज का हर एक क्लिप दे सकूं बट अनफॉर्चुनेटली ना बहुत सारा डिपार्टमेंट जो वो लॉक था। मैंने बहुत मन से इस कॉलेज टूर को बनाया है, मैं कब से बोल रही थी कि मुझे कॉलेज टूर बनाना है बट ना कभी समय ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो फाइनली आज मैंने बना लिया है जैसे तैसे करके भी। और मैं ये वीडियो ना सिर्फ आप लोग के लिए ही नहीं बना रही हूँ बल्कि खुद के लिए भी बना रही हूँ ताकि बाद में जाकर जब मैं देखूंगी तो एक मेमोरी सा रहेगा ना। चलो आज का इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड रखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने मेरा कॉलेज व्लॉग एंजॉय किया होगा, स्पेशली जो जो हमारे डीएन कॉलेज में पढ़ते हैं आप लोग मेरा वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्त लोगों को, और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उन लोग को भी आप शेयर कर सकते हो ताकि उन लोग थोड़ा कॉलेज का व्यू देख सके। आज का इस व्लॉग को हम यही पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। टेक केयर, बाय।